नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मनुष्य का श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो मनुष्य का जो श्वसन तंत्र का जो मुख्य अंग आता है वो है फेफड़े यानी कि लंग्स। फेफड़े हमारी वक्ष गुहा में कशेरुक दंड तथा फसलियों द्वारा बने एक कटेरे केज में सुरक्षित रहते हैं, यानी कि जो रिब्स यानी कि जो फसलियाँ होती है उनसे बना हुआ जो रिब केज होता है उनमें जो फेफड़े होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। अतः फेफड़ों तक वायु के आवागमन हेतु निम्नलिखित अंग आते हैं। तो इसमें निम्न अंग आते हैं जिनके द्वारा वायु गुजरती है, नासिका एवं नासा मार्ग, दूसरा है गर्सनी यानी कि फेरिंग्स, तीसरा है कंठ यानी कि लेरिंग्स, चौथा है श्वास नली यानी कि ट्रेकिया और पाँचवा आता है फेफड़े यानी कि लंग्स। तो इनके द्वारा वायु है वो गुजर करके फेफड़ों में पहुँचती है। सबसे पहला है नासिका यानी कि नोज एवं नासा मार्ग। नासिका की बात करें तो ये हमारे फेस यानी कि चेहरे पर, माथे और दोनों आँखों के मध्य और जो हमारा मुख का उनके बीच के अंदर स्थित होती है, उभरी हुई संरचना होती है जिसे हम नासिका कहते हैं। यानी कि ये दोनों आँखों के मध्य और माथे और जो हमारा मुख है उनके मध्य उभरी हुई संरचना के रूप में पाया जाता है। नाक के नीचे की ओर के उभरे हुए भाग को शिखाग्र कहते हैं। शिखाग्र में दो नासा छिद्र होते हैं जो हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यानी शिखाग्र में दो नासा छिद्र देखने को मिलते हैं। बाह्य नासा छिद्र नासिका में दो नासा मार्ग बनाते हैं जिसके कारण नासा गुहा दाएं व बाएं दो भागों में बंट जाती है। इन दोनों के बीच में नासा पट पाए जाते हैं, यानी कि नासा पट्टी है वो बाह्य नासा छिद्र को दो भागों में बांटता है। नासा गुहा के अंदर श्लेष्मिक झिल्ली पाई जाती है यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन स्थित होती है जो नासा मार्ग यानी कि जिसके कारण नासा मार्ग चिकना हो जाता है और इसके द्वारा पतला तरल श्लेष्म स्रावित किया जाता है जो वायु के साथ आने वाले हानिकारक पदार्थों या बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो नासा मार्ग होता है उसके अंदर श्लेष्मिक झिल्ली पाई जाती है, जो बैक्टीरिया वगैरह जो हानिकारक कण है वो अगर अंदर चले जाए वायु के साथ तो उनसे सुरक्षा या उनको चिपकाने का कार्य करती है, उन्हें अंदर नहीं जाने देती है। दूसरा भाग आता है गर्सनी यानी कि फेरिंग्स। गर्सनी यानी कि फेरिंग्स ये क्या होता है, भोजन नली और जो श्वास नली दोनों का मुख्य भाग होता है यानी कॉमन भाग होता है। नासा मार्ग मुख गुहा के पश्चिम भाग गर्सनी में खुलता है जो लगभग 12 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर लंबी गुहा या नलिका होती है। यह तीन भागों में बंटी होती है, यानी कि जो गर्सनी है वो 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसके तीन भाग होती हैं और ये नलिकाकार होती है। तो इसका जो पहला भाग देखें, नासा गर्सनी यानी कि नासा फेरिंग्स, यह मुख गुहा की ओर का चौड़ा ऊपरी भाग होता है। दूसरा है मुख गर्सनी या ओरोफेरिंग्स, यह कोमल तालु के नीचे होता है यानी कोमल तालु के नीचे होता है और भोजन के सेवन में सहायता करता है। और थर्ड भाग आता है कंठ गर्सनी या लेरिंगोफेरिंग्स, यह गर्सनी का पिछला संकरा भाग होता है जिसमें कंठ द्वार यानी घाटी द्वार या ग्लोटिस होता है और इसके साथ में दूसरा जो भाग है वो गर्सनिका या गुलेट होता है। यानी कंठ गर्सनी या लेरिंगोफेरिंग्स में दो भाग होते हैं, एक तो कंठ द्वार होता है और एक भोजन द्वार यानी गलेट होता है, एक ग्लोटिस होता है। गर्सनी यानी फेरिंग्स की बात करें तो भोजन तथा वायु क्रम से गर्सनी में से होकर भोजन नली और श्वास नली में पहुंचते हैं। श्वास लेते समय घाटी ढक्कन घाटी द्वार से हट जाता है परंतु भोजन निगलते समय कोमल तालु के उठने से घाटी ढक्कन बंद हो जाता है जिससे भोजन कंठ में नहीं जाता है। यानी जब श्वास ले लें तब तो क्या होता है, घाटी ढक्कन है वो द्वार से हट जाता है तब श्वास अंदर चली जाती है और जब भोजन निकलते हैं तो जो घाटी ढक्कन होता है उसके द्वारा जो ग्लोटिस होता है उसको बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है फिर कंठ यानी कि लेरिंग्स। श्वास नली का अगला सिरा एक बक्से के समान रचना बनाता है जिसे कंठ या शवर कोश कहते हैं। कंठ चौथी से छठवीं गिरवा कशेरुकाओं के सीध में स्थित होता है और गर्दन की अदर सतह पर उभार के रूप में दिखाई देता है। इस उभार को टेटवा या एडम्स एप्पल कहते हैं। यह वायु के आवागमन पर नियंत्रण रखने के अतिरिक्त ध्वनि उत्पादन का भी कार्य करता है, इसलिए इसे स्वर यंत्र या साउंड बॉक्स भी कहते हैं। यानी कि जो कंठ होता है वो वायु के आवागमन का नियंत्रण करता है, उसके साथ साथ में ध्वनि उत्पादन का कार्य भी करता है, इसलिए इसे स्वर यंत्र या साउंड बॉक्स भी कहते हैं।
और इसका जो उभरा हुआ भाग है उसे एडम्स या टेटवा कहते हैं। नेक्स्ट आता है श्वास नली। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी तथा लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास की नलिका होती है। इसकी द्वार पतली तथा लचीली होती है। यह वक्ष गुहा में पहुंचकर दो शाखाओं में बंट जाती है, यानी वक्ष गुहा में जाकर के दो शाखाओं में बंट जाती है, जिन्हें शौचनिया या ब्रोंकाई कहते हैं। ये दोनों शाखाएं अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करके अनेक शाखाओं में बंट जाती है, जिन्हें शौचनिकाएं या ब्रोंकियोल्स कहते हैं, जो कि चित्र में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट भाग आता है फिर, सॉरी इसी के बारे में आगे, श्वास नाल तथा शौचनियों में उपास्थि से बने सी आकार की छल्ले होते हैं, यानी कि उपास्थियों से बने सी आकार की छल्ले पाए जाते हैं, जो श्वास नली को पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं। श्वास नाल तथा इसकी शाखाओं की भीतरी सतह पर रोमा भी यानी कि सीलिएटेड और श्लेष्म कला होती है, जिसमें बाहर से आए धूल कण तथा सूक्ष्म जीव चिपक जाते हैं और इन्हें रोमा भी के द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव होते हैं और धूल कण होते हैं, उनकी इन्फेक्शन से इनकी सुरक्षा की जाती है रोमा भी और श्लेष्म कला द्वारा। नेक्स्ट आता है फिर फेफड़े यानी कि लंग्स, जो कि मुख्य अंग होता है मनुष्य के श्वसन तंत्र का। इसकी बात करें तो मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े प्रमुख श्वसनांग होते हैं, यानी मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। ये हृदय के पार्श्व में स्थित होते हैं, यानी कि हृदय की दोनों तरफ वक्ष गुहा के अधिकांश भाग में स्थित होते हैं फेफड़े। ये गुलाबी रंग के कोमल अंग होते हैं, स्पंजी होते हैं, ठोस होते हैं और लचीले अंग होते हैं, यानी गुलाबी रंग के कोमल, स्पंजी, ठोस, लचीले अंग होते हैं। फेफड़ों के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिन्हें प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये फुफ्फुसी या प्लूरल गुहा में स्थित होते हैं फेफड़े। झिल्लियों के मध्य में यानी दोनों झिल्लियों के मध्य में एक लसलसा पदार्थ भरा रहता है, जो इन फेफड़ों की सुरक्षा का कार्य करता है। प्रत्येक फेफड़ा अनेक पिंडों या लोब्स का बना होता है। बाएं फेफड़े में दो तथा दाएं फेफड़े में तीन पिंडक होते हैं। प्रत्येक पिंड छोटे छोटे वायु कोशों या कुपिकाओं से बनता है। मनुष्य के फेफड़ों में लगभग 15 करोड़ कुपिकाएं होती हैं। आगे देखें, वायु कोशों की पतली भित्ति में रक्त केशिकाओं का जाल फैला रहता है, यानी वायु कोशों की पतली भित्ति में रक्त केशिकाओं का जाल फैला रहता है। इन्हीं वायु कोशों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। मनुष्य के फेफड़ों में पेशियां नहीं होती है, इसलिए फेफड़ों का सिकुड़ना तथा फैलना वक्ष गुहा के आयतन की घटने तथा बढ़ने पर निर्भर करता है। इस कार्य में फसलियों के बीच स्थित पेशियों तथा डायफ्राम सहायक होते हैं, यानी पेशिया से बना हुआ जो रिबकेज और डायफ्राम होता है वो सहायता करता है फेफड़ों के संकुचन और फैलने के लिए। अब नेक्स्ट इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट हैं। पहला है, सामान्य अवस्था में फेफड़ों में लगभग 2300 मिली वायु भरी जा सकती है। नेक्स्ट, सामान्य अवस्था में हम लगभग 500 मिली वायु ग्रहण करते हैं। अभ्यास करने पर हम लगभग 3500 मिली तक वायु ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर, एक बार में चेष्टा करने पर 4600 मिली वायु बाहर निकाली जा सकती है। नेक्स्ट है फिर, ऐसा करने के बाद भी फेफड़ों में लगभग 1200 मिली वायु शेष रह जाती है, यानी 4600 निकालने के बाद भी 1200 मिली वायु रह जाती है। कुल मिलाकर फेफड़ों में 5800 मिली वायु भरी जा सकती है। ये कुल कैपेसिटी होती है फेफड़ों की वायु भरने की, यानी 5800 मिली वायु। इस प्रकार से हमने मानव का श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।